हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल कुणाल बड़ोलिया ब्लॉग। बाल मेरे बहुत उड़ गए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आज बाकी क्लिप में भाई हमारे की शर्ट अलग थी और ये वाली क्लिप में शर्ट चेंज है। भाई ज़्यादा कुछ नहीं यार, शर्ट इसलिए चेंज है क्योंकि वाली शर्ट पूरे दिन आज ट्रैवल किया ना तो बहुत गंदी हो गई थी और इतने ज़्यादा भीड़ के चक्कर में, गर्मी के चक्कर में पूरे शर्ट स्मेल करने लगी थी, तो फिर मैंने कहा चेंज कर लेते हैं, तो अभी चेंज कर लिए हैं। आज के समय में ना ही बात करना पसंद है ना ही बात सुनना, लेकिन 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 अपनी ज़िंदगी का शुरुआत का जो सफ़र है वो बहुत ही अलग है। घर से निकलते समय ना ही जेब में 4 रुपए थे ना ही आगे का कोई ठिकाना है। यहाँ से गुजरते समय माँ के दर्शन हुए तो बस दिल से एक ही बात निकली कि मुझे अपने सफ़र में सफल कर देना माँ। और फिर माँ से कहा कि आप जहाँ भी रहोगे वहाँ आपका हमेशा आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा। जय माता दी। मेरे को फ़ोन आया कि बस एक जगह चलना है, काफ़ी अच्छी जगह है। फिर मैंने एक प्लान किया कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ना है, तो बस अपने रेडी हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ और वहाँ से निकला। तो निकलने के बाद गया हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि एक अलग ही तरीका था फेस्टिवल को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करने का। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि नॉर्मल तरीके से सब समझाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल में ऐसा क्या करें कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और कुछ अलग लगे। तो मुझे लगा कि मेरे ब्लॉग बनाने का तरीका तो सब जानते कि मैं किस तरह शूट करता हूँ, किस तरह बनाता हूँ, तो बस हमेशा की तरह मेरे पास कुछ नया तो है नहीं, ड्रोन लाइक कुछ गिम्बल या फिर कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा यही हमारा DJI है और उसके बाद एक फ़ोन है और एक ट्राइपॉड, एक छोटा सा माइक है जिसमें से मैं शूट करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही से शूट कर रहा हूँ, तो 2 कैमरे यूज़ होने नहीं था तो बस एक ही कैमरे DJI से मैंने पूरा शूट किया। तो शूट करने के बाद वहाँ का जो व्यू था देखने लायक वो काफ़ी अच्छा था, तो लाइक दिस। तो बस अब क्या था, शूट हुआ, सारी चीज़ें हुई, मज़ा आया और मुझे भी सीरियसली इतना अच्छा लगा कि उन सभी के बीच में मैंने जय श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि ऐसा मौका मुझे बहुत कम मिलता है। क्योंकि मैं ऐसे अपने बेसिकली अपने शहर में रहता नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर रहने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे तो कुछ नया करना है, स्टार्टिंग तो मैंने कर दिया है। तो मुझे ऐसा मौका मिला तो मैंने ज़ोरदार दिल से जय श्री राम का नारा लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि का ये अप्रॉक्स लास्ट डेट है और वीडियो में और क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखनी है इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल में रखिएगा ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपनी ही एक नई कहानी लेकर के। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।